Please subscribe my channel and don't forget to press bell icon to get notification about all new videos. Thank you. Assalamualaikum students, आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन क्या होती है? डायमेंशन इससे पहले आपने नहीं पढ़ी तो ये नया कंसेप्ट है डायमेंशन का. पहले हम डायमेंशन की डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके बाद फिर इसके कंसेप्ट देखेंगे. डेफिनेशन है सच अ टेक्निक इन विच ईच फिजिकली क्वांटिटी is represented by a specific symbol written in square brackets is called dimension. के क्वांटिटीज को लिखने की एक ऐसी टेक्निक जिसमें हम किसी भी क्वांटिटी को एक स्पेसिफिक सिंबल से डिनोट करते हैं और उस सिंबल को स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं. इस टेक्निक को हम डायमेंशन कहेंगे. अब फॉर एग्जांपल जिस तरह हमारे पास बेस फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ. लेंथ की हम एक सिंबल रख लेते हैं एल. ये लेंथ की डायमेंशन हो जाएगी. इसी तरह मैस है. मैस को डायमेंशन में हम शो करेंगे कैपिटल एम से और उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे. टाइम, टाइम को हम डिनोट करेंगे टी से, उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे. ये लेंथ, मैस और टाइम की डायमेंशन है. इसी तरह बाकी जो चार फिजिकल क्वांटिटीज बेस क्वांटिटीज बच गई हैं उनकी भी डायमेंशन है, लेकिन उनकी डायमेंशन जिस लेवल पे यूज नहीं की जाती. अब एफएसए लेवल पे खासकर फर्स्ट ईयर में सिर्फ लेंथ, मैस और टाइम की डायमेंशन यूज की जाती है, तो लिहाजा हम इस लेवल पे सिर्फ लेंथ, मैस और टाइम की डायमेंशन देख लेते हैं और बाकी करंट है, टेम्परेचर है, उनकी डायमेंशन को फिलहाल छेड़ने की जरूरत नहीं. अब इस डायमेंशन का फायदा क्या है कि डायमेंशन की जरूरत क्यों पड़ी? जरा ये यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ी? यूनिट्स की जरूरत पड़ी हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, यूनिट की जरूरत पड़ी. डिफरेंट क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हमें यूनिट की जरूरत पड़ी. इसी तरह फिजिक्स की या साइंस की डिफरेंट ब्रांचेस की क्यों जरूरत पड़ी? साइंस की क्यों जरूरत पड़ी? तो उसका सिंपल एग्जाम्पल है कि नेचर को स्टडी करने के लिए साइंस की जरूरत पड़ी. इस तरह इस डायमेंशन फाइंड करने की क्या जरूरत है? डायमेंशन फाइंड करने की जरूरत क्या है? इस चीज का आंसर है इट स्टैंड्स फॉर क्वालिटेटिव नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. डायमेंशन क्या है? एक तो हमने ये कहा कि डायमेंशन
किसी भी क्वांटिटी को एक स्पेसिफिक सिंबल में लिखने का नाम है। दूसरी बात, ये जो डायमेंशन है, डायमेंशन हमें फिजिकल क्वांटिटी की नेचर की इंफॉर्मेशन दे रही होती है कि ये फिजिकल क्वांटिटी किस नेचर की है, किस टाइप की फिजिकल क्वांटिटी है। अगर हम एग्जांपल देखें, लेट्स से हमारे पास है लेंथ, हमने कहा लेंथ की डायमेंशन एल है, तो विड्थ की डायमेंशन क्या होगी? विड्थ की डायमेंशन क्या होगी? तो बच्चों लेंथ और विड्थ, लेट ये रेक्टेंगल है, इसकी ये लेंथ है और इसकी ये विड्थ है। देखें लेंथ क्या है, लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। विड्थ क्या है, विड्थ इज आल्सो द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। विड्थ भी दो पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस है कि अगर हम लेट से जो लार्ज साइज होती है उसको, ये रूम है, रूम की एग्जांपल ले लें, जिसकी का डिस्टेंस साइड का डिस्टेंस ज्यादा है उसको हम लेंथ कहेंगे, जिसका कम है उसको हम विड्थ कहेंगे। लेंथ भी दो पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस होगा, विड्थ भी दो पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस है। इस तरह अगर हम हाइट की बात करें, हाइट भी दो पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस है। लिहाजा लेंथ हो, विड्थ हो या हाइट हो, ये तीनों बेसिकली डिस्टेंस हैं दो स्पेसिफिक पॉइंट्स। इसी तरह अगर हम और बात करें रेडियस, रेडियस क्या है, रेडियस की डेफिनेशन ये बनती है द डिस्टेंस ऑफ सर्कमफेरेंस फ्रॉम सेंटर। तो रेडियस भी बेसिकली क्या है, एक डिस्टेंस है। लेंथ भी एक डिस्टेंस है, रेडियस भी एक डिस्टेंस है। इसी तरह अगर हम बात करें डायामीटर की, तो डायामीटर भी दो पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस, ये भी एक टाइप का डिस्टेंस है डायमीटर। अगर हम बात करें सर्कमफेरेंस की, सर्कमफेरेंस क्या है कि सर्कल के एक पॉइंट लेने कोई, उससे उस पॉइंट से ये जो इसकी आउटर बाउंड्री है, इसका जो टोटल डिस्टेंस है उसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो सर्कमफेरेंस भी क्या है, एक डिस्टेंस है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर एक ऑब्जेक्ट इस पाथ में मूव करके यहां आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट में हम कहते हैं द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस है हमारे पास, दो पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस है। तो ऐसी तमाम की तमाम क्वांटिटीज, ये जो है लेंथ, विड्थ, हाइट, रेडियस, डायमीटर, सर्कमफेरेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सब के सब जो है बेसिकली ये डिस्टेंस हैं। बेसिकली ये सब की सब जो क्वांटिटीज हैं वो सेम हैं। आप इनका डिफरेंट सिचुएशन में इनके नाम डिफरेंट हैं। लेट्स से कि अगर टोटल जो जिस पाथ को मेजर करेंगे वो डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट होगा तो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा, हैं बेसिकली दोनों डिस्टेंस हैं। लिहाजा लेंथ, विड्थ, हाइट, रेडियस, डायामीटर, सर्कमफेरेंस, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, ये सारी की सारी क्वांटिटीज सेम है, ये सारी की सारी क्वांटिटीज सेम है, तो इनकी डायमेंशन भी सेम होनी चाहिए। और ये बेसिकली लेंथ है, बेसिकली क्या है, ये इसकी डायमेंशन लेंथ है। लेकिन लेंथ हो, विड्थ और हाइट और रेडियस, डायमीटर, सर्कमफेरेंस और डिस्प्लेसमेंट, अब इन सब क्वांटिटीज की नेचर एक जैसी है। नेचर ऐसी कैसी कैसी है कि ये सारी की सारी क्वांटिटीज दो पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस है। लिहाजा नेचर सेम है तो इनकी डायमेंशन भी सेम होगी। पहली बात तो आपको ये समझ आई होगी कि डायमेंशन कहाँ हमें की इम्पॉर्टेंस क्या है डायमेंशन की। तो डायमेंशन की इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमें क्वांटिटीज का की नेचर बता रही है। अगर हम ये कह रहे हैं लेंथ, विड्थ, हाइट,
रेडियस, डायमीटर, सर्कमफेरेंस, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की डायमेंशन सेम एन है तो इनकी नेचर भी सेम होगी। अब कुछ अगर एग्जांपल देखें हम कि किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी की हम डायमेंशन कैसे फाइंड कर सकते हैं, किसी भी डिराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो उनकी एग्जांपल है। तो लेट्स से हम स्टार्ट करते हैं एरिया से, एरिया रेक्टेंगल का एरिया ले रहे हैं, एरिया इक्वल होता है किसके, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। अच्छा, लेंथ, विड्थ, हाइट, डायमीटर, सर्कमफेरेंस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, अच्छा रेडियस, इन सब की डायमेंशन क्या होगी, एल, क्योंकि इन सब की नेचर सेम है। देखिए, डायमेंशन ऑफ एरिया ए इज इक्वल टू वन, डायमेंशन ऑफ लेंथ मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ विड्थ। डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या है, एल, मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ विड्थ क्या है, तो विड्थ की डायमेंशन भी क्या होगी, एल ही होगी। तो एरिया की डायमेंशन क्या बनी, एल स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम देखें वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम की क्या डायमेंशन बनेगी, वॉल्यूम इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम वी इज इक्वल टू होगा डायमेंशन ऑफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ विड्थ मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ हाइट। तो डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ लेंथ, डायमेंशन एल है, विड्थ की डायमेंशन एल है, और हाइट की डायमेंशन भी एल होगी। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ गया हमारे पास एल क्यूब। इसी तरह डायमेंशन ऑफ स्पीड या वेलोसिटी क्या होगी, तो पहले फार्मूला देख लेते हैं। स्पीड का फार्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डायमेंशन ऑफ वी, अब ये इस वी से मराद वॉल्यूम है और ये इस वी का मतलब वेलोसिटी का स्पीड है। तो डायमेंशन ऑफ वी किसकी इक्वल होगी, डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टाइम। तो डिस्टेंस की डायमेंशन है हमारे पास एल, डिवाइडेड बाय टाइम की डायमेंशन हमारे पास टी, तो ये हो जाएगा हमारे पास एल टी माइनस वन, या इसको हम इकट्ठा करके लिख दें एल टी माइनस वन। इसी तरह एक्सेलरेशन की डायमेंशन क्या होगी, एक्सेलरेशन इक्वल होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। हम एक्सेलरेशन की डायमेंशन फाइंड करने के लिए हमारे पास होनी चाहिए डायमेंशन ऑफ वी डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ टी। ये दोनों डायमेंशन होंगी तो हम एक्सेलरेशन की डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। अब डायमेंशन ऑफ v, अभी यहां पे फाइंड किया v की डायमेंशन हमारे पास l t माइनस वन डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ t, t की डायमेंशन t होगी, तो ये हो जाएगा हमारे पास l t माइनस वन
और टी माइनस वन जो कि इक्वल है एल टी माइनस टू। इसी तरह हम एक्सेलरेशन की डायमेंशन एक और मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। तो दूसरा मेथड कौन सा है देखें, एक्सेलरेशन इक्वल है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वन ओवर टी मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी की जगह आप लिख सकते हैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वन, वन एक नंबर है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लिहाजा वन की कोई डायमेंशन नहीं होगी, वन डायमेंशन लेस है, डिवाइडेड बाई टी मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन एल है डिवाइडेड बाई टी। तो ये हो जाएगा हमारे पास एल टी माइनस वन टी माइनस वन। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एल टी माइनस टू। सिमिलरली हम बाकी क्वांटिटीज जो हैं उनकी डायमेंशन भी फाइंड कर सकते हैं। लेट्स से फोर्स, फोर्स इक्वल है एम ए, डायमेंशन ऑफ एफ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इक्वल होगी मास की, क्या डायमेंशन है हमारे पास, मास की डायमेंशन है एम, और एक्सेलरेशन की डायमेंशन आप डायरेक्ट जो वैल्यू फाइंड किए वो भी यूज कर सकते हैं एल टी माइनस टू। तो ये फोर्स की डायमेंशन आ गई एम एल टी माइनस टू। इसी तरह वर्क, वर्क डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डी। हम सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, डायमेंशन का मैग्नीट्यूड से तल्लक है ना कि डायरेक्शन के साथ। अगर डायमेंशन का डायरेक्शन के साथ तल्लक होता तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों की डायमेंशन सेम ना होती। डायमेंशन रिलेट करती है मैग्नीट्यूड के साथ ना कि डायमेंशन रिलेट करती है डायरेक्शन के साथ। तो हम इसकी मैग्नीट्यूड ले लेते हैं एफ डी, डायमेंशन ऑफ वर्क इज इक्वल टू होगी डायमेंशन ऑफ फोर्स मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की डायमेंशन अभी हमने फाइंड किया है, तो फोर्स की डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन भी एल है। तो ये हो जाएगा हमारे पास एम एल और एल ये एल स्क्वायर टी माइनस टू। अगर हम देखें तार tau is equal to r cross f या हम इसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखते हैं तो r f आ जाएगा। तो डायमेंशन ऑफ tau क्या बनी फिर, डायमेंशन ऑफ tau is equal to डायमेंशन ऑफ r, r मोमेंट आर्म है, मोमेंट आर्म क्या है कि लेंथ जहां से किसी भी ऑब्जेक्ट को रोटेट कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो जहां पे फोर्स लग रही है दोनों पॉइंट के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसको हम आर कहते हैं। लिहाजा आर भी बेसिकली एक डिस्टेंस है, तो इसकी डायमेंशन ये होगी एल, और फोर्स की डायमेंशन अभी हमने फाइंड की थी एम एल टी माइनस टू। तो ये एम एल और एल एल स्क्वायर बन जाएगा टी माइनस टू। देखें डायमेंशन ऑफ वर्क एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और डायमेंशन ऑफ एल एम इसकी टार की डायमेंशन एम एल टी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, दोनों की डायमेंशन सेम है, डायमेंशन दोनों की सेम, डायमेंशन सेम मीन नेचर भी दोनों की सेम होगी। अब हम समझ लेते हैं नेचर कैसे सेम। तो नेचर कैसे सेम है ये चीज समझने के लिए हमें दोनों का फंक्शन समझना पड़ेगा। वर्क क्या कहा, फोर्स लगी डिस्प्लेसमेंट कवर किया, मतलब बॉडी मोशन प्रोड्यूस की मोशन होती है। टॉर्क फोर्स लगी बॉडी ने रोटेट करना शुरू कर दिया,
मतलब रोटेशन हो रही है। आप चाहे लीनियर मोशन हो या रोटेशन हो, दोनों केसेस में बॉडी मूव कर रही है, मूव कर रही है। एक वर्क में लीनियर मोशन होती है जबकि टॉर्क में रोटेशन होती है, लेकिन दोनों केसेस में बॉडी मूव कर रही है। दोनों केसेस में अगर बॉडी मूव कर रही है तो वर्क का और टॉर्क का दोनों का फंक्शन सेम है। दोनों का फंक्शन है बॉडी को रेस्ट से मोशन में ले आना। या तो अगर दोनों का फंक्शन सेम है तो दोनों की नेचर भी सेम होगी, नेचर सेम होगी तो दोनों की डायमेंशन भी सेम होगी। कुछ और एग्जांपल अगर हम देखें इसकी डायमेंशन की, थीटा की डायमेंशन वी नो एस इज इक्वल टू आर थीटा। एस इज इक्वल टू आर थीटा मीन अगर ये हमारे पास एक सर्कल, सर्कल का रेडियस आर है, दो रेडियाई ले लेते हैं हम, इधर में एंगल थीटा बन रहा है और ये जो आर की लेंथ है हमारे पास ये एस है, तो एस थीटा और आर का ये रिलेशन होगा। अब हम अगर यहां से थीटा की डायमेंशन फाइंड करें तो थीटा इक्वल होगा एस डिवाइडेड बाय आर, तो डायमेंशन ऑफ थीटा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एस डिवाइडेड बाय डायमेंशन ऑफ आर। एस क्या है? एस है जिन दो पॉइंट्स पे ये दो रेडियाई कट कर रहे हैं उन दो पॉइंट्स के दरमियान आर लेंथ, आर्क लेंथ। तो बेसिकली एस एक लेंथ है, तो लेंथ है तो इसकी डायमेंशन होगी एल। आर, आर रेडियस है तो हम आर रेडियस डिस्कस कर चुके हैं कि रेडियस की डायमेंशन क्या होगी एल। तो एल, एल माइनस वन, तो ये हो जाएगा एल पावर वन माइनस वन, एल पावर जीरो, एल पावर जीरो मीन वन, तो वन कोई भी डायमेंशन नहीं होती, लिहाजा जो थीटा है थीटा डायमेंशन लेस है, थीटा डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होगी। थैंक यू।